नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी थ्योरी के अंदर कुछ प्रश्न हल करेंगे। कई बार लड़के कॉल करके पूछते रहते हैं कि एक चालक है, इसका प्रतिरोध ये है, यदि इसको वृत्ताकार आकार दे दिया जाए और किन्हीं दो बिंदु पर इनका प्रतिरोध ज्ञात करें तो किस प्रकार से होगा, तो वही हम ज्ञात करते हैं। मान लो कोई एक चालक है जिसका प्रतिरोध आर है, यदि इसको वृत्ताकार रूप दे दिया जाए और परिधि पर व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी इस प्रकार से इनका प्रतिरोध ज्ञात करें, तो अब इस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? जब ये मानव चालक की लंबाई है और इसका प्रतिरोध आर है, यदि इसको वृत्ताकार रूप दे दिया जाए तो आधा चालक इधर हो गया, एक बटा दो चालक इधर हो गया, तो इसका प्रतिरोध हो गया आर बटा टू, इसका प्रतिरोध हो गया आर बटा टू, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ये लंबाई आधी होगी तो प्रतिरोध भी आधा हो गया। अब देखो, ये चालक और ये चालक दोनों समांतर क्रम में लगे हो, यानी यहाँ पर हम प्रतिरोध ज्ञात करें तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो समांतर क्रम में जो सूत्र है, यदि समान मान के प्रतिरोध है तो आर बटा एन, एन यानी प्रतिरोध की संख्या, आर क्या है यहाँ पे आर बटा टू, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया आर बटा टू इंटू एक बटा एन, एन कितना है प्रतिरोध की संख्या यानी दो, तो क्या हो गया आर बटा चार, यानी जो भी इसका प्रतिरोध है उसका एक चौथाई हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लो इसका प्रतिरोध है 10 ओम, इसका कितना हो जाएगा 5 ओम, इसका कितना हो गया 5 ओम। अब देखो 5 ओम का एक प्रतिरोध है, ये 5 ओम का दूसरा यानी चालक का इस चालक का प्रतिरोध है। अब यदि इन दोनों को समांतर क्रम में लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा आर बटा एन यानी आर बटा टू, आर कितना है 5, 5/2 बराबर 2.5 ओम, यानी पहले 10 था अब कितना हो गया 2/5 ओम यानी R/4 यानी एक चौथाई हो गया, तो इस प्रकार से R/4 हो जाएगा। अब इसी में कई बार पूछ लेते हैं, यदि इस चालक को त्रिभुजाकार रूप दे दिया जाए, मान लो ये चालक है, इसका आकार वृत्ताकार आकार में देकर त्रिभुजाकार रूप प्रदान कर दिया जाए और किन्हीं दो कोणों से, और वह त्रिभुज भी संभव त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यह प्रतिरोध हम अपन को ज्ञात करना है। अब मान लो इसका प्रतिरोध आर है, इनको तीन भागों में बांट दिया तो प्रतिरोध भी 1/3 हो जाएगा प्रत्येक भुजा का, तो यह हो गया R/3, यह हो गया R/3 और ये भी हो गया R/3। अब ये संयोजन हो गया डेल्टा, डेल्टा में किन्हीं दो संयोजकों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है RT/2R/3 डेल्टा संयोजन में। अब देखो यहाँ R का मान क्या है, वैल्यू इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू आर, आर का मान क्या हो गया 2/3 इंटू आर का मान है यहाँ पे R/3, तो यह हो गया 2R/9। अब उदाहरण के तौर पे मान लो इसका प्रतिरोध है, उदाहरण मान लेते हैं 60 ओम प्रतिरोध है, तो इस भुजा का कितना हो जाएगा 60/3 यानी 20 ओम, यह कितना हो गया 20 ओम और यह हो गया 20 ओम। अब यहाँ पे प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र क्या लगेगा 2R/3, तो इसका हो जाएगा 2 × R 20/3, 40/3 कितना हो गया 40/3 13.33 ओम। इस सूत्र से निकालते हैं कितना आ रहा है 2 × R 60/9, 20
कितना हो गया 3, 20 के साथ 3 सही है, 20 दुआ 40, 40 बटा 3 वही आ गया, यानी सही है। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।